नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है, जिसकी शुरुआत हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले उत्तराखंड के रुद्रपुर का रुख करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिधामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हमारे इस क्लस्टर के प्रभारी कुमाऊं क्षेत्र के और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री भाई सौरभ बाबुना जी, हमारे विधायक और वरिष्ठ नेता आदरणीय अरविंद पांडे जी, आदरणीय चीमा जी, यहाँ के स्थानीय विधायक भाई शिव अरोड़ा जी, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, सरिता आर्या जी, राम सिंह टेड़ा जी, मंच पर आसीन हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, आगे पीछे तीनों लाइनों में हमारे संयोजक, सह संयोजक, प्रभारी, हमारे मेयर, पूर्व मेयर सभी उपस्थित और बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, उपस्थित माताओं बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो इतनी गर्मी में और जैसा मुझे बताया कि 10 बजे से आप सब लोग यहाँ पर आ गए थे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारने के लिए, आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि आप सब हमको समर्थन देने के लिए आए। और भाइयों बहनों, आज इस अवसर पर जब मैं कलेक्ट्रेट से माननीय अजय भट्ट जी के नामांकन में उनके साथ गया और वहां से बाहर आया, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का, आम जनता का जो उत्साह है और जिस ऊर्जा के साथ सारे लोग सड़कों पर आशीर्वाद दे रहे हैं, आ रहे हैं, उनके अंदर एक उमंग बनी हुई है, मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने जो 5 लाख का जो लक्ष्य लिया है, 5 लाख का लक्ष्य तो पार हो ही गया, उसमें कोई संदेह नहीं है कि हम 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाले हैं। अब तो आप सबकी प्रतियोगिता ये है भाइयों बहनों, और वो भी स्वस्थ प्रतिवर्ता, जिसको कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप, कि पूरे उत्तराखंड में जो 5ों लोकसभा सीटें हैं, 5ों लोकसभा सीटों में सबसे अधिक मतों से कौन जीतेगा। अब हमारी इस बार, क्योंकि मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर हर एक लोकसभा में होकर आ गया हूं और आज जो ये नामांकन हमारा यहाँ का हो रहा है, ये आज अंतिम नामांकन है और इससे पहले 4 नामांकनों में जब गया, पूरे उत्तराखंड के लोग, अभी जैसे होली मना रहे हैं ना, होली मनाई है कल तक हम लोगों ने, होली मनाने के बाद लोकतंत्र के पर्व को भी मना रहे हैं, लोकतंत्र के उत्सव को भी मना रहे हैं, 29 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और 4 जून को जब मतगणना होगी तो उस दिन होली के साथ उस दिन दीपावली भी होगी। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारे अजय भट्ट जी इस क्षेत्र से